कि हमें ये समझना होगा कि HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन वह पर्टिकुलर नॉर्म्स के हिसाब से इस्तेमाल होनी चाहिए। हमने इससे पहले भी आप सब लोगों को द्वारा बताया है कि हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन जो केवल कॉन्टैक्ट्स को और डॉक्टर जो पॉजिटिव पेशेंट से डील कर रहे हैं केवल उनको ही दी जानी है और उससे संबंधित प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। यह पर्टिकुलर मेडिसिन जो है ये कार्डियक इरेगुलरिटीज और इसी तरह से जो लोग कार्डियक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हानिकारक भी हो सकती है। हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं तो इसके तहत जिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लोगों को उसको इस्तेमाल करना है उसके अलावा कोई भी इसे इस्तेमाल ना करें। इसका जो डाउट है इसको फील्ड से निकालें। साथ ही इससे संबंधित जैसे कल भी आपने मेरे से पूछा था, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर प्रॉपर लेवल पर हर लेवल पर डिस्कशन करते हुए जितनी हमारे को HCQ की जरूरत है उतनी सफिशियंट क्वांटिटीज एज एंड व्हेन जब जरूरत होगी उसके लिए देश ने हर तरह से तैयारी की हुई है। आज जितनी क्वांटिटीज चाहिए उससे ज़्यादा अवेलेबल हैं। फ्यूचर में जितनी क्वांटिटीज की प्रोजेक्शन हो सकती है उसका पूरी प्लानिंग करके 100% तरीके से गवर्नमेंट HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के बारे में सक्षम है।